वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज के इस लेक्चर में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं बट दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जैसे पद्म विभूषण बहुत सारे लोगों को मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म श्री मिला। तो ये अवार्ड्स हैं क्या, कहाँ से इनका, अगर हम देखें कि बेसिकली कितने टाइप के अवार्ड्स होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो नॉलेज हमें कम रहता है, क्योंकि हम अखबार में ये तो पढ़ लेते हैं कि ये अभी सरकार ने जो है ये अवार्ड दिया है, लेकिन कितने तरह के अवार्ड होते हैं, क्या क्या अवार्ड्स मिलते हैं, किस किस को मिलते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें थोड़ी सी कम रहती है। तो उसी से रिलेटेड हम ये वीडियो लेके आए हैं। इसको बेसिकली हम दो पार्ट में कवर करेंगे। जो अवार्ड्स हैं इनको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। जैसे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये अवार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, या अगर हम देखने की कोशिश करें तो अवार्ड्स हमें दिखाई देंगे कि सिविलियन अवार्ड भी होते हैं, देन उसके बाद गैलेंट्री अवार्ड्स भी होंगे, या फिर अगर हम कहें कि मिलिट्री अवार्ड भी होंगे, जिसे हम कह सकते हैं मिलिट्री अवार्ड भी होंगे, लिटरेरी अवार्ड भी मिलेंगे, स्पोर्ट्स अवार्ड भी मिलेंगे, या फिर अदर भी कुछ अवार्ड्स की कैटेगरीज होती हैं, वो भी आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ सिविलियन और मिलिट्री अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे जो दिए जाते हैं, तो इनके बारे में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जब भी इसका आएगा उसमें हम बाकी अवार्ड्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले हम सिविलियन अवार्ड्स की तरफ देखते हैं कि कौन कौन से अवार्ड्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में जो सबसे हाईएस्ट, अगर हम जिसको दर्जा मिला हुआ है, तो कौन सा ऐसा सिविलियन अवार्ड है, तो आप सभी को पता होगा भारत रत्न जिसे हम बोलते हैं, तो भारत रत्न के बारे में हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और उसके बाद पद्मश्री, ये तीनों हम अवार्ड देखने वाले हैं। तो बेसिकली हम सिविलियन अवार्ड्स की जब हम बात करेंगे तो हम ये चार तरह के अवार्ड हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम भारत रत्न से, और भारत रत्न में आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और इसमें अगर देखो तो कब से शुरू हुआ है, तो आपको पता लगेगा 1954 से इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलेगी। किस चीज के लिए दिया जाता है, तो एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर के लिए दिया जाता है भारत रत्न। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे हम बोलते हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जनरली अभी रिसेंटली एक एग्जाम में देखने को मिला था कि भारत रत्न साल में मैक्सिमम कितने दिए जा सकते हैं। तो हम भारत रत्न तो पढ़ते रहे, लेकिन ये कभी ध्यान नहीं दिया कि मैक्सिमम एक साल में कितने भारत रत्न दिए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या था, तो यहाँ पे एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। कैसे क्या प्रोसीजर होता है इसका, बेसिकली कुछ नहीं है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड करती हैं प्रेसिडेंट को कि ये इसको मिलना चाहिए, और उस हिसाब से प्रेसिडेंट फिर अवार्ड देता है। इसमें और कुछ नहीं है, कहीं से कोई कमेटी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, ये सीधा सा है, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलकर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को और ये अवार्ड दे दिया जाता है। इसमें इतना सा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस अवार्ड के अंदर क्या क्या होता है, एक सर्टिफिकेट मिलेगा प्रेसिडेंट की तरफ से, और उसके साथ साथ एक मेडल मिलता है। तो बेसिकली अगर हम देखें, ये हमारे भारत रत्न का अगर हम देखें जो शेप देखने की कोशिश करें किस तरह का होता है, तो ये हम देखें पीपल का जो पत्ता होता है लगभग उस तरह का हमारा भारत रत्न रहेगा, तो ये हमारा भारत रत्न रहेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें अभी तक टोटल इंडिया में कितने लोगों को मिल चुका है, टोटल अगर हम देखने की कोशिश करें, ये भारत रत्न आज तक 48 लोगों को दिया गया है, जिनमें से दो फॉरनर भी हैं। तो वो दो फॉरनर कौन कौन से हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कौन है, तो आपको बिल्कुल पता होगा, सबसे पहले है हमारे बिल्कुल खान अब्दुल गफ्फार खान, और दूसरे जो है नेल्सन मंडेला। तो इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, इन दो को भी भारत रत्न मिला हुआ है। उसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले भारत रत्न किसे किसे मिला था, तो जो सबसे पहले जिन्हें मिला था वो तीन लोग कौन कौन थे, तो सबसे पहले आपको सी राजगोपालाचारी, देन उसके बाद एस राधाकृष्णन एंड देन सी वी रमन, इन तीन को सबसे पहले इसको ये अवार्ड मिला था। तो ये हमने पढ़ा भारत रत्न के बारे में, जो हम जान सकते थे उतने हमने इसके बारे में जानने की कोशिश की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और उसको हम पढ़ते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण के जब हम देखेंगे
भारत रत्न को तो हमने बताया कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट अगर किसी का नंबर आता है तो वो क्या है, पद्म विभूषण। तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। और ये भी अगर हम देखें तो इसके जो हमारे तीनों पद्म अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, तीनों ही अगर हम देखें तो 1954 से ही शुरुआत देखने को मिलती है तीनों की। और तीनों के ही केस में एक बड़ी बात कॉमन है कि ये सभी को दिया जा सकता है लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं दिया जा सकता। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स में उनको भी काउंट करेंगे जो पीएसयूज में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो काम कर रहे हैं उनको और गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ये हमारे पद्मा जो अवार्ड्स हैं ये नहीं मिलते हैं। लेकिन इनमें से दो को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे, किसको, एक तो डॉक्टर्स को और दूसरा साइंटिस्ट को। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को छोड़ दें, उसके अलावा किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को और किसी भी पीएसयू वर्किंग ऑफिशियल को ये अवार्ड नहीं दिए जाते, इतना इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे किसे पद्म विभूषण मिलता है, किसे पद्म भूषण मिलता है और किसे पद्मश्री मिलता है, तो आपको छोटा छोटा अंतर मिलेगा। जैसे सबसे पहले पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो यह क्या है, फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, ये हुआ पद्म विभूषण में। लेकिन जब मैं पद्म भूषण की बात करूंगा तो यहां से एक्सेप्शनल नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर। क्या जाएगा, डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ अ हाई ऑर्डर। लेकिन जब मैं पद्मश्री की बात करूंगा तो यह हाई ऑर्डर नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। क्लियर है, ये तीनों अवार्ड हैं। और ये तीनों अवार्ड कब हुए हैं तो हमने इसको देखने की कोशिश की, 2 जनवरी 1954 से शुरुआत हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, सिविलियन अवार्ड, तो सबसे टॉप पे कौन सा है, भारत रत्न। सेकंड पे कौन सा आएगा, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और उसके बाद लास्ट कौन सा रहेगा, हमारा पद्मश्री रहेगा। और ये पद्मश्री तक हम पढ़ेंगे तो ये हमारे बेसिकली सिविलियन अवार्ड हम देखेंगे, तो हमारे जो मेन है यहाँ तक हमारे खत्म होते हैं। तो ये बेसिकली तीनों अगर आप देख सकते हैं, गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज वाला वही सिस्टम यहाँ चलता है। तो यहाँ पे बेसिकली गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज में चल रहेगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड जो हमारे ये हैं। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, आज मिलिट्री अवार्ड्स को भी देखने की कोशिश करते हैं। जो मिलिट्री अवार्ड्स को देखें तो मिलिट्री अवार्ड्स को हम दो टाइप में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप, तो सबसे पहला तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो हो गए, और सेकंड जो पीस टाइम अवार्ड्स है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हो गए। तो बेसिकली मिलिट्री अवार्ड्स दो टाइप से दिए जाते हैं, एक तो वॉर टाइम के लिए और एक पीस टाइम के लिए। तो दोनों के क्या क्या हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स को, अगर हम देखें तो ये आपको तीन दिखाई देंगे, कौन कौन से, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। परमवीर चक्र इनमें भी वही है, सबसे हाईएस्ट अगर हम देखें मिलिट्री डेकोरेशन कौन सा हो गया, परमवीर चक्र हो गया। सेकंड हाईएस्ट महावीर चक्र हो गया, और हम देखें थर्ड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, वीर चक्र हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, यहां पे भी अगर हम देखें तो इतना ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। जब यहाँ पे अगर हम देखें कि किस किस को मिलता है, तो ये किस लिए दिया जाता है, फॉर मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, क्योंकि वॉर टाइम है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी हम देखेंगे कि एनिमी के खिलाफ अगर हम देखें मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी जिसने दिखाई हो, तो उसको ये मिलता है हमारा परमवीर चक्र। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर एक्ट ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री इन प्रेजेंस ऑफ एनिमी, और कहीं पे भी हो सकता है, लैंड पे भी, सी पे भी, एयर में भी। और ऐसे वीर चक्र की अगर हम बात करें ऑन द बैटल फील्ड, जिसने भी अगर हम कहें कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री दिखाई हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, एनिमी का होना यहाँ जरूरी है क्योंकि वॉर टाइम है। वहीं पे जब हम पीस टाइम की बात करेंगे तो वहां पे एनिमी का होना जरूरी नहीं, वहां पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे वॉर टाइम के लिए नहीं दिया जाता है, वो पीस टाइम में जिसने ब्रेवरी दिखाई होती है उनको दिए जाते हैं। तो उन्हें हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों आपको पता लग गए, वॉर टाइम के लिए तीन दिए जाते हैं, कौन कौन से, आपके परमवीर चक्र हो गए, महावीर चक्र हो गया और वीर चक्र हो गया। ऐसे ही जब हम पीस टाइम अवार्ड्स की बात करते हैं तो पीस टाइम पे भी आपको तीन दिखाई देंगे, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का कौन सा होगा, अशोक चक्र, सेकंड पे कीर्ति चक्र और लास्ट क्या हो जाएगा, शौर्य चक्र हो जाएगा। यहाँ पे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, इनमें क्या कॉमन फीचर है, ये कब दिए जाते हैं, अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी, यानी ये वॉर टाइम से रिलेटेड नहीं है।
एनिमी का सामना करने के अलावा जो बाकी दूसरी जगह पे जब बहादुरी दिखाई जाती है, गैलेंट्री दिखाई जाती है, तब उस टाइम पे हम ये अवार्ड्स देते हैं। कौन कौन से? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और हमारा क्या हो जाएगा, शौर्य चक्र। तो हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री अवार्ड कौन सा हुआ? अशोक चक्र। सेकेंड हाईएस्ट कीर्ति, और थर्ड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? शौर्य चक्र। अब इन तीनों में ये ध्यान रखना कि मैंने बोल तो रहा हूं कि ये मिलिट्री अवार्ड्स हैं, जो पीस टाइम अवार्ड्स हैं ये सिविलियंस को भी दिए जा सकते हैं। ये किसको? सिविलियंस को भी दिए जा सकते हैं। इतना इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमने क्या क्या किया? सबसे पहले सिविलियन अवार्ड किया। सिविलियन अवार्ड हमने कौन कौन से किए? सबसे हाईएस्ट लेवल पे कौन सा है? और हमारा भारत रत्न हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने कौन सा किया? पद्म विभूषण। फिर उसके बाद पद्म भूषण और पद्मश्री। ऐसे ही जब हम मिलिट्री में आए तो मिलिट्री में हमने क्या क्या देखा? मिलिट्री में पहले हमने क्या देखे? गैलेंट्री के लिए जो हमने देखे वॉर टाइम के, तो वॉर टाइम के क्या क्या हो गए? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ऐसे ही अगर हम देखें पीस टाइम पे, तो पीस टाइम पे क्या दिए जाते हैं मिलिट्री में? अशोक चक्र। देन उसके बाद अगर हम देखें कीर्ति चक्र और हमारे शौर्य चक्र। तो ये हमारे अवार्ड्स थे जो हमने देखे। इनके अगर आप मेडल्स देखना चाहें तो ये हमारे मेडल्स हो जाते हैं। ये परमवीर चक्र के हो गए, जहां पे वज्र दिखाई देता है आपको, इंद्र का जो वज्र होता है, ठीक है। देन महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, ये आपका अशोक चक्र का है। इनमें आपको वही तीनों में वो सिस्टम दिखाई देगा, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वाला, ठीक है। तो आपका अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो ये हमारे मेडल्स थे और ये हमने कुछ अवार्ड्स को कवर करने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी बचे हुए अवार्ड्स हैं उनके बारे में भी ऐसी छोटी छोटी जो जानकारी जो हमसे छूट जाती हैं वो लाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।